वेलकम एम सिक्स बुलियन टीचर। दोस्तों बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप भी HDFC बैंक के शेयर में निवेश करते हैं या फिर HDFC में काम करते हैं इसके शेयर में या फिर फ्यूचर में, तो आपको इसका सब जान लेना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को मैं शुरू करते हुए इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी करिएगा। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये राजीव दीक्षित सर है, उनके आवाज़ में ये वीडियो आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज मैं आप लोग के सामने पेश कर रही हूँ। ये वीडियो उन सभी ट्रेडर के लिए है जो HDFC में काम करते हैं और अपना मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये सच जान लेना चाहिए कि जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक होता है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में मिलेगा कि क्या है क्या नहीं है, इनका पूरा इतिहास भी मैं बताने की कोशिश करूंगी इस वीडियो के माध्यम से। मैं तो नहीं बताऊंगी लेकिन राजीव दीक्षित सर के द्वारा आपको आपको सुनने को मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और भी लोग जो ट्रेडर है जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं वो कहीं फंस ना जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उन्होंने शाखाएं खोलना शुरू किया। मैं आपको एक ही विदेशी बैंक का उदाहरण देता हूं, उसका नाम है HDFC। 1992-93 में ये बैंक जब भारत आया था तो इसकी एक शाखा खुली थी, एक सिर्फ एक ब्रांच थी और उसमें डिपॉजिट जीरो था। एक ब्रांच थी, डिपॉजिट उसमें जीरो था, HDFC भारत आया था तब। आज HDFC को भारत में व्यापार करते हुए 10 साल हो गया है। HDFC की 10 साल में 243 ब्रांच भारत में खुल चुकी हैं और उनके पास 70,000 करोड़ का डिपॉजिट है। जीरो से शुरू किया था, 70,000 करोड़ का डिपॉजिट उन्होंने इस देश के लोगों से इकट्ठा कर लिया है। अगले साल से WTO की कंडीशंस आने के बाद HDFC को और खुला मार्केट मिलेगा और वो 1,000 शाखाएं बनाएंगे और हो सकता है 2-3 लाख करोड़ का डिपॉजिट करेंगे। और इतना डिपॉजिट करके किसी दिन वो घोटाला करके भाग जाएं तो भारत का फाइनेंस मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकता। और ऐसा हुआ है इस देश में। आपको मालूम है 93-94 में सिटी बैंक स्कैम हुआ था, अमेरिका का सिटी बैंक स्कैम जो हर्षद मेहता ने ऑपरेट किया था पूरे भारत में, वो सिटी बैंक स्कैम था। हर्षद मेहता स्कैम के नाम से चला पूरे देश में, स्कैम सिटी बैंक ने किया था। हर्षद मेहता तो सिटी बैंक का पपेट था, मोहरा था, सिटी बैंक उसको चलाता था, हर्षद मेहता वही चलता था। सिटी बैंक ने भारत में आके हर्षद मेहता को खड़ा किया और हर्षद मेहता को पैसा देना शुरू किया और उस पैसे से उससे कहा कि शेयर खरीदो हमको दो। तो हर्षद मेहता अपने नाम से शेयर खरीदता था, सिटी बैंक को ट्रांसफर करता था, पैसा सिटी बैंक देता था। तो सिटी बैंक ने खेल क्या खेला कि भारत की कुछ कंपनियों को उठाना है, कुछ को गिराना है। जिन कंपनियों के शेयर सिटी बैंक के पास है उनको उठाना है, जिनके नहीं है उनको गिराना है। ये खेल में वो लग गए। हर्षद मेहता उनको कठपुतली की तरह से मिल गया, उसने खेल खेला और उस खेल में हिंदुस्तान का 1,000 करोड़ रुपए, कम से कम 76,000 करोड़ रुपए डूब गया इस देश का। और जब ये सारा घोटाला खुला और घोटाले पर इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी भारत सरकार की संसदीय समिति ने की, संसदीय समिति ने कहा कि हर्षद मेहता घोटाले का जिम्मेदार नहीं है, सिटी बैंक जिम्मेदार है, तो भारत के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर और वर्तमान प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि हमें मालूम है सिटी बैंक जिम्मेदार है लेकिन हम उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका से हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। मनमोहन सिंह एज ए फाइनेंस मिनिस्टर और आज भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी सिटी बैंक के खिलाफ कुछ करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए वहां से, अमेरिका नाराज हो जाएगा। और इसी अमेरिका ने भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ इतनी सख्त कार्यवाही की अमेरिका में कि उनके हालत खराब हो गए, लेने के देने पड़ गए। इसी अमेरिका ने भारत की एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच अमेरिका में इन्वॉल्व हो गई थी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन में जिनका पता नहीं था और अमेरिका ने डाउट किया था कि ये ट्रांजैक्शन हुए हैं टेररिस्ट को। अमेरिका में एक नियम है, एक अमाउंट से ज्यादा का पैसा निकाला जाए और जमा किया जाए तो उसका सारा इंक्वायरी करना, नहीं करेंगे तो बैंक जिम्मेदार है उसके लिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन किए थे जिनका कुछ अता पता नहीं था, उसमें अमेरिका ने इतना हैवी पेनल्टी ठोंका उनके ऊपर कि एक ब्रांच का पूरा डिपॉजिट उसमें जाने की स्थिति आ गई।
अमेरिका ने नहीं छोड़ा आपको और आपने उनके सिटी बैंक ऑफ को पूरा छोड़ दिया। हाँ हाँ इतना घोटाला किया तो भी हम मंजूर करते हैं। और आपको मालूम है राम निवास मिर्धा नाम के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी अध्यक्षता में बनी संयुक्त जांच समिति ने यह कह दिया था कि सिटी बैंक को भारत से वाइंड अप करने का आदेश दीजिए, इनका बोरिया बिस्तर बंद करा दीजिए, नहीं तो ये देश को लूटेंगे। वो संसदीय समिति की रिपोर्ट धूल खा रही है और सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया क्योंकि अमेरिका से डर है, अमेरिका नाराज हो जाएगा, हमको इन्वेस्टमेंट नहीं देगा। अभी नेक्स्ट ईयर से सिटी बैंक, एचडीएफसी, एएनजेड ग्रिंडलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सभी बैंक खुले आम अपनी शाखाएं खोलेंगे। वो शाखाएं खोलेंगे कहां? किसी गांव में नहीं, और वो शाखाएं खोलेंगे ऐसी जिसमें आप 50 रुपए डिपॉजिट करा के अकाउंट नहीं खुला सकते। उनके लिए मिनिमम है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 40,000। आपकी भारत की जो स्टेट बैंक है या भारत की जो बैंक है वो तो गांव में भी जाके शाखा खोलती है क्योंकि उसको सर्विस देनी है, बिजनेस नहीं करना है, सर्विस देनी, इनको बिजनेस करना है। तो वो बड़े बड़े शहरों में शाखाएं खोलेंगे, बंबई है, कलकत्ता है, मद्रास है, हैदराबाद है, कोयम्बतूर है, चेन्नई है, वगैरह वगैरह। और उनमें जो क्रीमी लेयर है भारत का, जिनके पास थोड़ा पैसा, उनके डिपॉजिट रख के उस पे काम करेंगे। और वो डिपॉजिट को कहां इन्वेस्ट करेंगे वो आप भी नहीं रोक सकते और तय भी नहीं कर सकते। तो आपके देश की खून पसीने की कमाई, पूंजी, जो डोमेस्टिक सेविंग्स है, वो विदेशियों के हाथ में आप दे देंगे। इसी तरह से बीमा के क्षेत्र में वो आएंगे, इसी तरह से हर क्षेत्र में वो घुस जाएंगे। और इस तरह से घुस के वो क्या कर सकते हैं भारत का, एक उदाहरण देके मैं मेरा व्याख्यान खत्म करता हूँ। क्या कर सकते हैं अभी देखिए, भारत में सेवा के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में और एजुकेशन आदि आदि में विदेशी कंपनी ज्यादा नहीं आए हैं, अगले साल से आना शुरू होंगे। अभी ज्यादा विदेशी कंपनी आए हैं टूथपेस्ट बेचने के लिए, टूथ पाउडर बेचने के लिए, सॉफ्ट ड्रिंक बेचने के लिए। अभी वो क्या कर सकते हैं हिंदुस्तान में आके, इसका ही एक उदाहरण देता हूँ। सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में अमेरिका के 2 कंपनी आए हैं, पेप्सी कोला, कोका कोला, दोनों मार्केट में 14 साल से जहर बेच रहे हैं, ये सिद्ध हो गया। 1997 से तो हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये लहर पेप्सी नहीं जहर पेप्सी है। मैं 1997 से हर पब्लिक मीटिंग में कह रहा हूँ लहर पेप्सी नहीं जहर पेप्सी है। 1997 से हर पब्लिक मीटिंग में मैं कह रहा हूँ कि ये ठंडा नहीं है, टॉयलेट क्लीनर है। लेकिन पिछले साल भारत की सभी बड़ी प्रयोगशालाओं ने ये सिद्ध कर दिया है कि पेप्सी कोक टॉयलेट क्लीनर है और वो जहर है, प्रयोगशालाओं ने सिद्ध कर दिया। भारत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला CFTRI, सेंट्रल फूड फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये जहर है और ये भी कहा कि ये टॉयलेट क्लीनर से भी ज्यादा खराब है। CFTRI तो ये कहता है कि पेप्सी कोक टॉयलेट क्लीनर से भी ज्यादा खराब है। दूसरी लेबोरेटरी CSE, उन्होंने सिद्ध कर दिया। फिर भारत सरकार की लेबोरेटरी CFL, उन्होंने सिद्ध कर दिया। भारत की 5-6 लेबोरेटरीज और सभी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन मान रहे हैं कि पेप्सी कोक जहर है, 14 साल से इस देश में बिक रहा है, लेकिन भारत सरकार की हिम्मत नहीं है पेप्सी कोक के खिलाफ कोई एक्शन लेने की, किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले तक NDA सरकार चल रही थी जिसमें बहुत ज्यादा लोग स्वदेशी भक्त हैं और स्वदेशी के नारे लगाने वाले हैं, उनका भी एक्शन लेने का हिम्मत नहीं था पेप्सी कोक पर, और उनके भी मंत्रियों ने पेप्सी कोक को क्लीन चिट दिया पार्लियामेंट के अंदर। अभी NPA सरकार आ गई है, उसकी तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं है पेप्सी कोक के खिलाफ कोई। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये जहर बेच रहे हैं 14 साल से, और भारत के किसानों ने सिद्ध कर दिया है। भारत के बहुत सारे गांव के किसानों ने पेप्सी कोक स्प्रे किया है और सब कीड़े मर गए हैं, सब जंतु मरे हैं फसल के, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये पेस्टिसाइड है, पेप्सी कोक नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है। ये सब कुछ सिद्ध हो जाने के बावजूद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ताकत नहीं है कि पेप्सी कोक का लाइसेंस कैंसिल करे। अभी तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, सबने कह दिया। 97 में जब हम ये बात कहते थे तो लोग हमें पागल कहते थे, अब 2004 में सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, हाई कोर्ट ये कह रहा है, CFTRI ये कह रही है, CFL ये कह रही है, सभी साइंटिफिक बॉडीज ये कह रही हैं कि ये पेप्सी कोक नहीं है, जहर है, क्योंकि उसमें DDT है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, मेलाथियन है, क्लोरोपाइरीफॉस है, ये चारों खतरनाक कीटनाशक पेप्सी कोक में मिले हुए हैं और हमारी शरीर की क्षमता से 87 गुना ज्यादा है। माने हमारे शरीर की जो टॉलरेंस लिमिट है उससे 87 गुना ज्यादा जहर पेप्सी कोक थम्सअप में है, ये रिपोर्ट कहती है। तो भी सरकार की हिम्मत नहीं है लाइसेंस रद्द करने की। आप सोचिए कि जब 2 अमेरिका की कंपनी के खिलाफ भारत सरकार कुछ नहीं कर पा रही है तो हजारों अमरीकी कंपनी अगले साल से घुस जाएगी, भारत सरकार क्या करेगी? 2 के खिलाफ कुछ नहीं करने की हाल हिम्मत है उनकी, जो सिद्ध हो गया है कि ये जहर बेच रहे हैं।
तो सरकारों की हिम्मत और ताकत तो इन कंपनियों के सामने कुछ भी नहीं है। और ऐसी कंपनी आके भारत पे अगर छा गई तो सारा रूल तो वो करेंगे, रेगुलेशंस वो बनाएंगे, कानून वो तय करवाएंगे, संसद में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो तय करेंगे। सरकार तो कुछ नहीं, सरकार तो पपेट हो जाएगी, कठपुतली हो जाएगी उनके हाथ की।